8 जुलाई को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को बीच सड़क पर गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा जापान शोक में डूब गया। लेकिन क्या शिंजो आबे को बचाया जा सकता था और उस हथियारे ने शिंजो आबे को क्यों मारा, जानेंगे इस घटना की पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों, जब शिंजो आबे भाषण दे रहे थे तब उस हमलावर ने उन पर 2 गोलियां चलाई। उसकी पहली गोली तो मिस हो गई, लेकिन उसकी दूसरी गोली सीधा शिंजो आबे के सीने में आ लगी। अगर शिंजो आबे पहली गोली चलने के बाद तुरंत झुक जाते या फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड थोड़े चौकस होते तो शिंजो आबे को बचाया जा सकता था। वैसे इस हमले के तुरंत बाद ही हमलावर को पकड़ लिया गया और पूछताछ में पाया गया कि ये हमलावर जापान की नेवी में भी काम कर चुका है और वो शिंजो आबे के किसी खास धार्मिक संगठन से जुड़ने से नाराज था, इसलिए उसने उन्हें गोली मारी। इस हथियारे का नाम यामागामी तेत्सुआ बताया जा रहा है।